नमस्ते राम राम मैं हूं आपका शिव ठाकरे और आप देख रहे हो टेली रिपोर्टर देखते रहो गणपति पापा तो खिलाड़ी में चोटे लगती है पहले प्यार में लगती थी पे खतरों खिलाड़ी में लगती तो ये ज्यादा बेटर है सब ने ऐसा परफॉर्म किया कि फर्स्ट डे शायद किसका दिन नहीं था सेकेंड डे उसका दिन आ जाएगा शायद फर्स्ट टू डेज किसी का दिन था तो बाद में लास्ट डे उसका दिन नहीं था स्टंट के पहले जो भी गुदगुली होती है पेट में वो हर स्टंट के पहले होती है उसके बाद स्टंट कम्प्लीट हो जाता है कभी जीत जाते हैं कभी दस सेकेंड से हार जाते हैं ये चलते रहते देखो जहाँ पे कैमरे वहां पे शूट उठाकर देखेगा अभी एक है। सेट कौन सा है, हो सकता है कभी बड़ा पर्दा भी मिले कभी छोटा पर्दा भी मिले पर इतना है कि शूट फिल्मों में तो शिव जिनके कारनामे देखकर अक्सर लोग कहते हैं कि का करें oh <laughs> yeah, well. <laughs> uh, कायर uh, इसलिए लोग बहुत कुछ सोचते समझते जानते पहचानते लेकिन आई बिलीव यू हैव डन फंटाबलुअसली कमाल का काम के पीछे महादेव हमारे और खतरों के खिलाड़ी के साथ हाउ इज द फील यू कम बैक टू होम घर आकर कैसा लग रहा है फिलहाल आपका शब्दों का जो साठा है मराठी में साठा बोलते उसको कलेक्शन है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही फ्लुएंटली आप बात करते हो बहुत ही अच्छा रहा खतरों के खिलाड़ी का सफ़र मेरा यादगार रहा फन रहा और जैसे खतरा बोलते हैं खतरों के खिलाड़ी खतरनाक भी था आ, बहुत सारी वहां से वायरल और डेजी के साथ बहुत सारा प्यार वो भी वाईरल. तो how do you see, uh, कि किस किस इंसान को आपने कमाया है वहां से दोस्ती सबसे ज्यादा गहरी किसके साथ हुई है डीनो के साथ अर्जित के साथ शहजान के साथ डेजी के साथ ये मुझे लगता है सभी के साथ वैसे कहू तो रोहित रॉय सर हो या फिर अंजलि हो अंजुम हो बट इनके साथ ज्यादा क्लोज है आ, अर्जित, और उंगली का कारण जो आपकी फिलहाल उंगली में चोट लगी खतरों के खिलाड़ी में चोटें लगती है पहले प्यार में लगती थी पे खतरों के खिलाड़ी में लगती है तो ये ज्यादा बेटर है या।, या ना जख्म भर जाते हैं इश्क के जख्म नहीं भर पाते और शायद आप जूझ रहे हैं उनसे लेकिन बात करें अगर आपके जर्नी की तो वो बहुत फंडाबुलस रही है वी नो दैट और स्टोरीज बाहर आती थी तो पता चलता था राइट टफ कॉम्पिटिशन किसने दिया आपको आप जब शो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक भी ऐसा कोई नहीं था कि जिसने टॉप कंपटीशन दिया नहीं हो किसी किसी को क्योंकि सब अपनी अपनी जगह इतने बेहतरीन थे सब ने ऐसा परफॉर्म किया कि फर्स्ट डे शायद किसका दिन नहीं था सेकंड डे उसका दिन आ जाएगा शायद फर्स्ट टू डे किसी का दिन था तो बाद में लास्ट डे उसका दिन नहीं था सब सरप्राइज है आपको टॉप टू जो आपको लगता है मतलब ऑल ओवर और मतलब में, मेरे अभी, और तो फिर स्टंट के मामले में। बिग बॉस टू तो दिस जर्नी कितना फर्क लगा क्या लगता है की ये शो आपको सिखा कर चला गया कुछ दो अर्निंग जो आपने यहाँ से ली है शो से पैसे मिले सत्ताईस एपिसोड के <laughs> एपिसोड में देखूंगा टीवी पे और बहुत और चीजें क्या होते तो दादर भी जाऊँ यहाँ से या, लोकल में तो लोकल में कितना सीख लेता हूँ बट एक चीज होती है सीखने से ज्यादा आप किस मोटो से जाते हो मैं तो गया था कि टीवी पे देखना है लोगों को और एंटरटेन करना है लोगों को एक अलग साइड दिखाना है आपकी अंदर और एक चीज होती है आप कभी हारते नहीं हो लड़ते रहते हो लड़खड़ाते हो संभलते हो जैसे लाइफ में होता है तो वैसे ही वो वाला साइड भी देखेगा लोगों को तो मेन होता है कि आ, फेम पैसा ये मेन होता है डर लगा किसी टास्क में आपको कि यार ये तो नहीं सोचा था कोई टास्क जो यू फेल लाइक शायद मैं ना कर पाऊँ ना कर पाऊ ये तो मैंने कभी कोई पूरे लाइफ में ऐसा मैं नहीं सोचता अगर आ, तो बस एक होता है डर लगता है पर ना कर पाऊ ये नहीं लगता है डर हर चीज का लगता है स्टंट के पहले जो भी गुदगुली होती है पेट में वो हर स्टंट के पहले होती है तो उसके बाद स्टंट कंप्लीट हो जाता है कभी जीत जाते हैं कभी दस सेकेंड से हार जाते हैं ये चलते रहते हैं बट डरते पर घबराते नहीं है मतलब कि लड़का डरता है लेकिन करता है पूरी लाइन का वो आपको धीरे-धीरे शोज के साथ पर चलेगा। Quick message to your fans, आपको ज़्यादा ज़्यादा से ज़ाद देखना चाहते हैं। इसके बाद Bollywood OTT और टीवी का क्या करेंगे आप? जो तीनों नाम तीनों नाम लिए मैं करना चाहता हूं। Depend, आगे के और और कास्टिंग क्या मुझे करते हैं। एक होता है कि जो भी काम मिलेगा वो बहुत ही मेहनत के साथ अच्छे खुद को पॉलिश रोमांस

ठीक है आ, इस वीडियो मौखिक चिट्ठी जी <laughs> तो यार आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो क्योंकि मैंने वो वीडियोस देखे जो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए जो बनाते हो और इतने एफर्ट्स ले लेके अगर मुझे गलती से भी कुछ चोट आई तो इतने आपके वो खलबल मच जाती है वो सब चीज़ों पे वो मुझे मेरे तक आती है मुझे टैग करते हो मैं देखता हूँ तो लव यू आप आ, मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है जब आप मेरे साथ खड़े रहते हो तो लव यू ऑल आप हो तो शिव ठाकरे आपके बिना शिव ठाकरे नहीं है गणपति पापा मौर्य और ऐसे ही साथ में रहो लव यू yeah. तो